मैच शुरू होने वाला है। ठीक है ना, ठीक है। प्ले बॉल, बहुत अच्छी शॉट। पहली बॉल पे मिस फील्ड हुई लेकिन एक रन बन पाए। वाइड बॉल एम्पायर इशारा। बहुत अच्छी शॉट फील्डर बॉल के नीचे, यकीनन कैच हो सकता था लेकिन कैच ड्रॉप हुआ। बॉल बहुत अच्छी बॉल है। आशा करें यार, उस्ताद है इंतजार को। मैं आउट हूँ, आउट हूँ सको तो खुश है। आतिफ खान आए फिर बैटिंग के लिए। तीसरा मैच यहाँ पर जारी। आतिफ खान ने पिछले ओवर में काफी अच्छा और उमदा बैटिंग करते हुए, अभी देखना होगा कि इस मैच में आतिफ खान क्या करता है। गेंद कीपर ने और पहली गेंद को रिसीव करने में कामयाब और यकीनन बाउंड्री पार कर गई चार रन के लिए। यकीनन चौका होगा क्योंकि फील्डर दोनों आपस में बात करते हुए और फील्डर ने इशारा दिया कि गेंद बाउंड्री के पार जाके गिरी है और छह रन के लिए। पहले ही गेंद पर खुशामदीद कहा पायलर को आतिफ खान ने। आतिफ खान सामना करेंगे एक मरतबा फिर गेंद की पायलर ने और उठाने में कामयाब, लेकिन इस बार कैच होने का खतरा और ये कैच आउट। आतिफ खान दूसरे गेंद पर ही कैच आउट। अभी बैटिंग के लिए बुलाया जा रहा है कैप्टन सदीक को, जो लाला के लिए यकीनन रनिंग करेंगे। गेंद की सोपी को पलटास गेंद थी लेकिन सिंगल के लिए खेल लिया बैट्समैन ने और यहां पर लाला अभी बैटिंग के लिए आए। लाला ने भी पिछले मैच में काफी अच्छा बैटिंग किया था। अभी ओवर का इशारा देते हुए एम्पायर सदीक ने और फिर सामना करेंगे सोपी। लाला रनिंग साइड पर जाते हुए दूसरे ओवर को ये बुलाया कि आहे पालर को। पालर बिल्कुल तैयार खड़े हुए गेंद की पहला गेंद और गेंद को खेल लिया लेखन पत्थर ने साथ देते हुए सिंगल ही बनने नहीं दिया यहां सोफी को। दूसरा गेंद इन्हें का वाह वाइड गेंद जो अब स्टंप से काफी पार था और गेंद गई विकेट कीपर के हाथ में। अभी गेंद की और अनदर वाइड गेंद, इस बार लेग स्टंप से बाहर काफी बाहर था गेंद, सीधा विकेट कीपर के हाथ में। अब तक दो रन दे चुके हैं दो वाइडों की सूरत में और इस बार बैट्समैन पर गेंद लगी।
بیٹسمین کافی ناخوش دکھائی دیتے ہوئے، کھین کی ملاقات پلے سے نہیں ہوتی، وہ تیسرا گیند مسلسل بیٹ کر میں کامیاب ہوئے بالر۔ یہاں پر بیٹسمین کافی ناخوش، پلے اور گیند کا ملاقات ہی نہیں ہوتا ہے، اور اے نظر وائڈ، اس اور میں تیسرا وائڈ تھا جو بالر نے لیگ سپم کی جانب سے کیا۔ جی اب بالر تیار، توڑنا شروع کیا گیند کی، اور گیند گئی بیک سائڈ پہ سنگل کے لیے۔ ابھی پہلے گیند کا سامنا کریں گے لالا، ناراض ہو جاتا بولا لالا چاہتا بس پی وایو نو، اور گیند بیٹ۔ اب گیند گئی سیدھا وکٹ کیپر کے ہاتھ میں، دوسرے اوور کا لاسٹ گیند، آخری گیند پھینکنے کے لیے بالر نے دوڑنا شروع کیا، اور گیند کلک کی بیٹسمین نے، اور ایک رن مکمل، دوسرا رن کے لیے دوڑنا پڑا، اور دوسرا رن بھی مکمل۔ دوسرا اوور کے اختتام پہ سکور، سو سکور کیا 16 بالر نے سہیر نے توڑنا شروع کیا گیند کی بیٹسمین کو، اور پلٹاس گیند، لیکن پلٹاس کا کوئی فائدہ نہیں اٹھا پایا، اور سنگل کے لیے لالا نے دوسرے رن دینے سے منع کیا سوپی کو۔ اب سامنا کریں گے لالا، اور گیند کی یار کر گیند دی جو سنگل کے لیے کھیلے، یہاں پر فیلڈر کی جانب سے ایک اچھی تھرو لے کر بیٹسمین اپنے کریز میں تھا، یہ بھرنا یقیناً آؤٹ ہوتے۔ گیند کی سلو گیند، لیکن سوپی مسلسل بیٹنگ پہ بیٹنگ کرتے جا رہے ہیں، بیٹسمین جو گیند کی لائن کو بالکل سمجھ نہیں رہے ہیں۔ یہاں پر کافی مسنگ کر چکا ہے بیٹسمین سوفی، اور نظر گیند بیٹ، گیند کی لائن کو بالکل ہی سمجھ نہیں رہے ہیں سوفی۔ اور یہاں پر کلین بولڈ ہو گیا سوپی، صدیق 11 کی جانب سے اس میچ پہ بڑی ناقص کارکردگی، اور بولر نے دوڑنا شروع کیا گیند کی، اور کٹ کھیلا بیٹسمین نے، اور کافی گیپ پہ یقیناً چوکا ہو سکتا ہے، لیکن گیند فیلڈر نے روک لیا، اتنی قوت نہیں تھی شاٹ میں کہ گیند باؤنڈری کے لیے جاتے، اور یہاں پر اوور مکمل۔ اسپنر کو بلایا گیا ہے یہاں پر لالا کو گیند کرنے کے لیے، جو لالا نے پچھلے اننگ میں کافی اچھا اننگ کھیلی تھی، جس میں تقریباً 5 چھکے لگا چکے تھے لالا۔ اسپنر اپنی اوور کا پہلے گیند کے لیے تیار،
कि इनकी स्पिनर ने पहला ही गेंद और यहां पर पहले गेंद पर छक्का रिसीव लाला की जानिब से। लाला ने पहले गेंद पर स्पिनर को खुशामदीद कहा। दूसरा गेंद बाल बाल बच गए बैट्समैन, वहां क्लीन बॉल हो सकते थे। यहां पर स्पिनर का अच्छी कमबैक जो यहां पर गेंद पीट कर गए बैट्समैन को और तीसरे गेंद के लिए। और यकीनन छक्का अब स्टंप पे जाती हुई गेंद और बाउंड्री लाइन पार कर गए 6 रन के लिए। स्पिनर वन मरतबा फिर गेंद की और एक जबरदस्त छक्का, टूर्नामेंट का सबसे लंबा छक्का लगाने में कामयाब लाला। इस ओवर में 3 छक्के लगा चुके हैं अब तक लाला। लाला जो इस गेंद को भी काफी खूबसूरत तरीके से दबाते हुए खेलते हुए गेंद बाउंड्री लाइन से पार कर गई 4 रन के लिए। इस काफी महंगा ओवर और सतीक की जानब से, सतीक 11 की जानब से इस ओवर में काफी अच्छी बैटिंग की लाला ने, जिसमें 3 छक्के और 1 चौका शामिल है। अभी भी ओवर का आखिरी गेंद बाकी। गेंद की वो लाला ने गेंद को खेला लेकिन सिर्फ सिंगल हो जाएगी और गेंद गई 2 फील्डरों से पार, बाउंड्री लाइन पार कर गई 4 रन के लिए। 2 फील्डरों ने ट्राई किया लेकिन बड़ी इजी चौका, यानी यकीनन 1 रन के लिए खेले थे लाला ने और यहां फील्डर ने साथ देते हुए यकीनी चौका बना दिया 1 रन की शॉट को। काफी महंगा ओवर, 28 रन दे चुके, नहीं 22 और 4 26 रन दे चुके हैं इस ओवर में। 4 ओवर के अख्ताम पर 46। अगर मैच जीतने के लिए जाना है सदीक 11 ने तो बाकी 4 ओवरों में कम से कम 50 प्लस स्कोर बनाने होंगे। लाया गया है एक नया पालर को यहाँ पर, शाबाश वाइड से प्रेस करी, पीछे कोई नहीं है। और पहले गेंद को उठाने में कामयाब यकीनन छक्का, पहले गेंद पर खुशामदीद कहा पालर को। शाबाश शाबाश सदीक 11 की जानब बैट्समैन की जानब से। और दूसरे गेंद पर अब स्टंप पर एक खूबसूरत छक्का, 4 रन का छक्का था, 4 रन तय के बाउंड्री से जरा सा आगे लगी। बॉलर एक मरतबा फिर दौड़ना शुरू किया गेंद की बैट्समैन को और बैट्समैन ने खूबसूरत अंदाज में गेंद को उठाया और 6 रन के लिए।